दोस्तों इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो किसी भी इकोनॉमी को समझने से पहले समझना इकोनॉमी की जरूरत क्यों, मतलब इकोनॉमी की नीड क्यों है, क्यों हम इकोनॉमी पढ़ते हैं। तो दो से तीन बातें हैं आपको समझना है कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो पहली बात है किसी भी देश की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, तो ऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसका संबंध होता है, ठीक है, उसका संबंध इकोनॉमी से होता है कि कोई भी देश अपने रिसोर्सेस का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, कि कोई भी देश क्या कर रहा है कि हाउ टू यूज देयर रिसोर्सेस, यूज देयर रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस का कैसे इस्तेमाल कर रहा है और उसका इस्तेमाल करते हुए किस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है, किस तरह से वो डेवलप हो रहा है या डेवलपमेंट कर रहा है। क्योंकि ये लिबरलाइजेशन का एरा है, ग्लोबलाइजेशन का एरा है, तो इस एरा में क्या होगा, यहाँ पर बहुत सी गतिविधियाँ बदल गई हैं। एंशेंट टाइम में सिर्फ प्रोडक्शन हुआ करता था, प्रोडक्शन ही मेन इम्पॉर्टेंट गतिविधि हुआ करती थी, एग्रीकल्चर ही सबसे इम्पॉर्टेंट गतिविधि हुआ करती थी। ठीक है, अब गतिविधियों की व्यवस्थाएं बदल गई हैं, अब गतिविधियां में सर्विस सेक्टर भी है, इंडस्ट्रीज भी हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर तो है ही। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ये जरूरी है कि रिसोर्सेस का जो यूज हो वो कैसा हो, सुटेबल तरीके से हो, ये कैसे हो, यूज सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, इसी बेसिस पे अगर हम इकोनॉमी की बात करें कि इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी है, कौन कौन सी इकोनॉमीज हैं जिनका इम्पोर्टेंट यूज है, अगर इकोनॉमी के बेसिस पर बांटेंगे तो इकोनॉमी दो प्रकार की, अगर हम डेवलपमेंट के बेसिस पर बांटेंगे तो इकोनॉमी दो प्रकार की। जो पहली इकोनॉमी है उसको हम कहेंगे विकसित या डेवलप्ड, क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे डेवलप्ड इकोनॉमी, और जो दूसरी है उसको हम लोग कहेंगे विकासशील। बच्चों दूसरी को हम लोग क्या कहेंगे, विकासशील, डेवलपिंग इकोनॉमी, क्या कहेंगे इसको, हम लोग कहेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी। समझना, विकसित इकोनॉमी क्या है, देखो जब औद्योगिक क्रांति हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो जो देश लोगों ने पहले फायदा उठा लिया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें जिसने टेक्स पार्ट कर लिया, इसमें जिसने टेक्स पार्ट कर लिया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है, वो आज क्या कर रहे हैं, वो डेवलप्ड नेचर पे हैं, उन देशों का डेवलपमेंट कैसा है वो डेवलप्ड लेवल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जीडीपी है, जो जीडीपी है इसमें सर्विस सेक्टर, इसमें क्या है जो सेवा क्षेत्र है वो सर्विस सेक्टर सबसे आगे है, उसके बाद फिर इंडस्ट्री और तीसरे नंबर पे क्या है, एग्रीकल्चर है, समझिएगा। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट के देखा जाए तो थर्ड स्टेज में पहुंच चुके हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री को डेवलप किया और सबसे ज्यादा आप सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट चल रहा है। अब जो विकासशील देश हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ये क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन्होंने देर से इसमें टेक्स पार्ट किया, ये लेट टेक्स पार्ट किया इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक है, लेट टेक्स पार्ट करने के बाद क्या होगा, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1950s के दौर में आज़ादी मिली हो, उसके बाद फिर उन्होंने अपना डेवलपमेंट शुरू करा हो तो काफ़ी समय लगा। ठीक है, यहाँ पर कृषि का भाग तो कम हो रहा है और धीमे धीमे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का भाग अब बढ़ रहा है, ये ग्रोथ के अब सेकेंड सेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर बहुत आगे है, यहाँ पर सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रीज में भी फाइटिंग चल रही है। ठीक है, तो अब समझ रहे होंगे ना, तो विकासशील देश विकसित देशों की तुलना में अभी पीछे क्यों है, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का काफ़ी देर से इस्तेमाल किया,
क्या क्या उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का या औद्योगिकरण का काफ़ी देर से इस्तेमाल किया। ठीक है, अब भी देखिए बेटा, जब भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में तीन चीज़ें मिलेंगी आपको, इकोनॉमी में तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो पहली चीज़ मिलेगी वो होगा बेटा उत्पादन। उत्पादन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन, कि हम प्रोडक्शन किस तरह से कर रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे उपभोग, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका कंजम्पशन कैसा है, उसका कंजम्पशन कैसा है। और तीसरा क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी निर्माण, कि उस कंजम्पशन की वजह से किस प्रकार का कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, कितना कैपिटल बन रहा है और किस टाइप से बन रहा है। ठीक है, तो देखिए बेटा, जब आप प्रोडक्शन की बात करेंगे, जब आप किसकी बात करेंगे, प्रोडक्शन की, तो हम लोग सबसे पहले उत्पादन को देखते हैं। ठीक है, अब जब बेटा हम लोग प्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं तो प्रोडक्शन में आप क्या देखोगे, प्रोडक्शन देखोगे ये वो प्रक्रिया है जहाँ पर हम क्या बनाते हैं, हम वस्तुएँ, गुड्स और प्लस सर्विसेस, सेवा। ठीक है, गुड्स तो पटाइए, सर्विसेज मतलब सेवा, इनकी हम क्या करेंगे, इनकी हम पूर्ति करेंगे। प्रोडक्शन में क्या करेंगे, हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। मतलब यह प्रोडक्शन क्या है, उपभोग से पहले की प्रक्रिया है, यह कंजम्पशन से बिफोर होने की प्रक्रिया है, यह क्या है, यह उपभोग से के पहले की प्रक्रिया है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि माना जाता है, कि हमारे उपभोक्ता किस प्रकार के, हमें उसी हिसाब से प्रोडक्शन करना है। ठीक है, उत्पादन किसका करना है, उन क्रियाओं का, उन लोगों को करना है जिसकी लोगों को ज़रूरत हो। ठीक है, तो प्रोडक्शन किसका, प्रोडक्शन किसका या उपभोग किसका होगा, जिसकी ज़रूरत है, जिस वस्तु की आवश्यकता है। कई बार आवश्यकता होती है, कई बार आवश्यकता क्रिएट की जाती है। तो आवश्यकता कैसे होती है, आवश्यकताएं क्या होती है, एक रियल आवश्यकता होती है, एक वास्तविक आवश्यकता होती है, एक आवश्यकताएं क्रिएट की जाती है, जो लग्जरी आवश्यकता है ना, तो क्रिएट किया जाता है। समझ में आया। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे उपभोग की, जो सेकेंड है वो हम लोग बात करेंगे उपभोग, कंजम्पशन की। कंजम्पशन कैसा होगा, देखो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी आप देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इनका एंड, तो एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, वही बेटा कंजम्पशन है, वही क्या है, वही कंजम्पशन है। ठीक है, मतलब क्या किया, जिसके द्वारा आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर दी जा रही हो। ठीक है, जैसे हमने उत्पादन किया और हमने उसको यूटिलाइज कर दिया तो वो वस्तु ख़त्म हो गई, तो जिस लेवल पर उस वस्तु, जो वस्तु हमको संतुष्ट कर दे, ठीक है, या उसका एंड हो जाए, उस आर्थिक गतिविधि का अंत हो जाए, ठीक है, उसे हम कहेंगे उपभोग। ठीक है, समझ गए। तीसरा होता है बेटा कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको आप कहते हो पूंजी निर्माण, इसको समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, जितनी गुड्स का आपने उत्पादन किया या फिर आपने जितना भी उत्पादन किया, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया, उनमें से उपभोग की गई वस्तुएं, जितना उत्पादन किया उनमें से क्या करना है, ठीक है, जितमें से उत्पादन किया उनमें से क्या करोगे, उपभोग वस्तुओं की वैल्यू को माइनस कर दो, कि वैल्यू क्या कर दो, वैल्यू घटा दो। समझो क्या किया, जो हमने उपभोग कर ली जिन वस्तुओं का, जितना उत्पादन किया उनमें से जितनी उपभोग हो गई, मतलब जिनका इनका एंड हो गया, उनकी वैल्यू को घटा दो, घटा दो। ठीक है, तो क्या बचा, जो रेस्ट बचा, इसके बाद जो शेष बचा, जो शेष बच रहा है बेटा, जो शेष बचा, यही शेष बची हुई राशि, यही शेष बची हुई राशि, या कह दो ये शेष बचा हुआ अमाउंट, यही क्या है, यही कैपिटल फॉर्मेशन है, यही क्या है बेटा, यही कैपिटल फॉर्मेशन है। अब तो समझ गए होंगे कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, हम टोटल जितना भी प्रोडक्शन करें उनमें से हम जितना यूटिलाइज कर लेंगे,
उसकी वैल्यू को क्या कर दो आप, उसकी वैल्यू को बेटा माइनस कर दो, उसकी वैल्यू को आप घटा दो, ठीक है। तो बाकी जो बच रहा है वो क्या हो गया, उसकी जो वैल्यू होगी वही कैपिटल फॉर्मेशन होगा। क्यों, ये जो बच रहा है, जो शेष बचा, इसको हम क्या करेंगे, फ्यूचर में यूज करेंगे, इसको भावी उपभोग करेंगे, या क्या करेंगे, इसका यूज इन फ्यूचर, इसका यूज कहां पर होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो एक देश अपने समस्त उत्पादन का उपभोग ना करके कुछ कुछ अमाउंट फ्यूचर के लिए बचा लेता, कुछ अमाउंट क्या कर लेता, फ्यूचर के लिए बचा लेता, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, इसी को कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है, इससे भविष्य में उत्पादन करने की शक्ति बढ़ती है, इससे क्या होता है, भविष्य में उत्पादन में आपको ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। अब समझ गए आप पूंजी निर्माण क्यों जरूरी है, ठीक है। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, देखिए पहली प्रॉब्लम तो क्या है कि किस चीज का उत्पादन किया जाए, उत्पादन है, ठीक है, उत्पादन किसका करें और कितनी मात्रा में करें, किसका करें और कितनी मात्रा में करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि कौन सी गुड का इस्तेमाल कर उत्पादन करना है और कितने अमाउंट में करना है, ये तो उत्पादन हो जाएगा। फिर दूसरा, उत्पादन कैसे करें, उत्पादन कैसे करें, किस टेक्नोलॉजी से करें, किस मशीन के द्वारा करें, तो उत्पादन कैसे हो, मतलब ये जो कैसे, मतलब ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। कॉस्टिंग किसमें ज़्यादा आ रही है, किसमें कम आ रही है, ठीक है, तकनीक कैसी है, उत्पादन कैसे, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करें या फिर श्रम प्रधान करें, श्रम प्रधान मतलब लेबर बेस्ड, ठीक है, कि मशीनों से करें तो टेक्नोलॉजी बेस्ड किस तरह से किया जाए, ठीक है। अधिकतर क्या करना हमें, हमारा जो टारगेट होना चाहिए अधिक कैपिटल का फॉर्मेशन करने के लिए, इसको हमें क्या करना है, टेक्निक का इस्तेमाल करना है, इन टेक्निक के साथ हम लेबर को भी जोड़ें, तो टेक्निक और लेबर का कॉम्बिनेशन करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, इससे आपका कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, उत्पादन किसके लिए करें, हम मान लो प्रोडक्शन कर दिया, किसका करना प्रोडक्शन, कितनी मात्रा में करना, फिर किसके लिए, मतलब उपभोक्ता ढूंढना है ना, तो उसकी डिमांड पता लगाओ ना, किसके लिए करना है, किस चीज़ का करना है तो समझ में आएगा, किसके लिए करना है तो वो आप ढूंढ के लाइए उपभोक्ता के द्वारा, ठीक है, तभी तो आपको फायदा होगा, कितना करोगे, किसके लिए करना है, कर लिया, फिर हम कर रहे हैं तो रिसोर्सेज जो हैं हमारे, रिसोर्सेज का कुशल यूज, रिसोर्सेज का कुशल यूज कैसे किया जाए, रिसोर्सेज का कुशल यूज कैसे किया जाए, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हर इकोनॉमी में फेस करनी पड़ती है। अब बच्चा समझो, अब कुछ चीज़ें और समझिए, देखिए अगर हम इकोनॉमी को क्लासिफाई करें, अगर हम अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन करें, इसको वर्गीकरण करें, तो अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की, पहली अर्थव्यवस्था होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आप कह सकते हो ये पूंजीवादी इकोनॉमी है, ये पूंजीवादी इकोनॉमी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, जो बंदा पैसा लगा रहा है उसी का इसमें स्वामित्व है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये व्यक्तिवादी होती है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत इसमें मालिक होते हैं, व्यक्तिगत देश होती है, क्योंकि जो पैसा लगा रहा है वही इसमें है, ठीक है। यहाँ पर किन चीज़ों का उत्पादन करोगे, उत्पादन उनका जिनकी बाजार में मांग, उत्पादन उनका जिनकी मांग है, सिर्फ आप उनका उत्पादन करोगे, ठीक है। इनको आप घरेलू बाजार में बेचो चाहे विदेश बाजार में बेचो, विदेशी बाजार में उत्पादन उन्हीं की करेंगे जिनकी डिमांड है, मांग है, ठीक है।
यहां पर क्या होता है, इसमें सरकार का कंट्रोल कम से कम, सरकार का कंट्रोल कम, ठीक है, निजी कंट्रोल ज्यादा, ठीक है, यहां पर प्रतियोगिता कंपटीशन ज्यादा, इस प्रकार की इकोनॉमी में कंपटीशन ज्यादा होता है, प्रतियोगिता ज्यादा होता है, ये इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं लाभ के उद्देश्य के लिए चलाई जाती हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में लाभ का उद्देश्य ही एकमात्र साधन है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसी ने कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, ठीक है, तो ये लाभ के उद्देश्य इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सरकार का इसमें कोई कंट्रोल नहीं, यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की विशेषताएं हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, अर्थव्यवस्था का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, जो दूसरा, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा पीछे और चलें कैपिटलिस्ट में, इसके गुण क्या क्या हैं, अगर इसकी कुछ और विशेषताओं पर फोकस करें, कुछ और याद आ गया, क्या है इसमें बताइए, इसमें क्वालिटी अच्छी होती है, कंपटीशन ज़्यादा तो क्वालिटी अच्छी, प्रतियोगिता ज़्यादा है ना तो क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, रिसोर्सेस का यूज ज़्यादा है, रिसोर्सेस का यूज यहाँ पर मैक्सिमम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, ठीक है, काम के लिए प्रोत्साहन मिलता है, और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है परिस्थितियों के अनुसार, इस प्रकार की इकोनॉमी में क्या उत्पादन करना है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बाजार केंद्रित है ना, तो बाजार में जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ का उत्पादन होने लगेगा, ठीक है। इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, अगर आप निगेटिव पॉइंट्स पर फोकस करें, जो पैसा है ना सिर्फ पूंजीपतियों मालिकों के पास जाता है, तो जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, धन का असमान वितरण होता है इसमें, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर वर्ग संघर्ष क्लैश दिखता है, क्योंकि तो किसी के पास पैसा ज़्यादा किसी का कम, तो एक लेबर क्लास दूसरी मालिक वर्ग, ठीक है, पूंजीपति वर्ग, यहाँ पर श्रमिक का शोषण ज़्यादा होता है, क्योंकि लाभ के लिए करते हैं ना, तो यहाँ पर श्रमिक का शोषण ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं, यहाँ पर कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं तो कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हर इकोनॉमी में आपको दिखेंगे। अब जो दूसरा है ना वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी वाली है समाजवादी इकोनॉमी। अब बेटा समाजवादी इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें जो होता है ना इसमें सरकार का कंट्रोल होता है, इसमें किसका कंट्रोल होता है, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम, ठीक है, क्यों, गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पर ज़्यादा, पिछली वाली में गवर्नमेंट का कंट्रोल कम था, यहाँ ज़्यादा मतलब लोगों के बीच यहाँ पर अवसर की समानता की बात होती है, यहाँ अवसर की समानता ज़्यादा है, ठीक है, कल्याणकारी इकोनॉमी होती है, कल्याणकारी इकोनॉमी में ज़्यादा कल्याण होता है, ठीक है, लोगों का भला ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके केंद्र में क्या होता है, समाजवाद के केंद्र में कौन है, इसके केंद्र में राज्य है, इसके केंद्र में कौन है, राज्य है, ठीक है, तो राज्य के पास ही उत्पादन के साधन होते हैं, तो इसका उद्देश्य मोस्ट क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है सामाजिक, सामाजिक उद्देश्य होते हैं, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है इस प्रकार इकोनॉमी में। अब इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इसके कुछ गुण हैं, गुण क्या है, क्या है, संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का समुचित उपयोग, ये पॉजिटिव है, ठीक है, मूल्य नियंत्रण होते हैं यहाँ पर, मूल्य पे कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल होता है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, संसाधनों का अच्छा उपयोग हो रहा है, प्राइस का कंट्रोल कर रहे हैं, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संतुलित आर्थिक विकास होता है, संतुलित आर्थिक विकास होता है। अगर आप इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर लागत गणना सही नहीं होती है, ठीक है, वो सही नहीं है, यहाँ पर उपभोक्ता की संप्रभुता का अंत हो जाता है, उपभोक्ता की संप्रभुता नहीं है, उपभोक्ता की संप्रभुता नहीं है, ठीक है, व्यक्तिगत स्किल नहीं है यहाँ पर, स्किल है ना, किसी काम की निपुणता नहीं होती है, ठीक है,
और यहाँ पर कह सकते हो पहल की कमी कमाई, मतलब बंदी बधाई कार्य पद्धति होती है, एक फिक्स्ड फिक्स्ड कार्य शैली होती है। यहाँ पर ज़्यादा रिसर्च वगैरह पे फोकस नहीं किया जाता, तो समाजवादी इकोनॉमी में ये होता है। तीसरी जो इकोनॉमी है उसको कहते हैं मिक्स्ड, भारत में इसी प्रकार की इकोनॉमी काम कर रही है, जो तीसरी है वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें पूंजीवाद मतलब कैपिटलिस्ट के भी गुण हैं, प्लस इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है, ठीक है। एक तरफ आर्थिक गतिविधियों की यहाँ पर स्वतंत्रता मिल रही है, दूसरी ओर इसका उद्देश्य समाज कल्याण भी है, तो दोनों चीजें मिल रही हैं यहाँ पर, कैपिटलिस्ट के भी फीचर मिलते हैं, समाजवाद के भी फीचर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन एक बीच की रास्ता लिया, तो प्लस किया गया, एक मिडिल अप्रोच अपनाई गई कि दोनों को ज्यादा स्वतंत्रता नहीं, मिक्स्ड, इसमें सरकार और व्यक्ति दोनों ही आर्थिक नियंत्रण कर सकते हैं, सरकार भी आर्थिक नियंत्रण करती है और व्यक्ति भी आर्थिक नियंत्रण करते हैं, निजी और सार्वजनिक उद्यम होते हैं इसमें, इसमें निजी प्लस सार्वजनिक उद्यम है, तो प्रोडक्शन भी दोनों का हो रहा है, ठीक है। तो सरकार यहाँ कल्याण के लिए भी काम करती है और निजी फायदे के लिए भी लोग यहाँ पर अपना काम करते हैं, ठीक है। पूंजी निर्माण के लिए स्वतंत्रता मिलती है, प्रतिस्पर्धा भी है, ठीक है, यहाँ पर संसाधनों का चौपयोग भी होता है, आर्थिक समानता भी है। लेकिन अगर इसके निगेटिव देखोगे, अगर इसके निगेटिव देखोगे तो ये इकोनॉमी अस्थिर होती है, अस्थिर, ठीक है। दक्षता की कमी होती है, दक्षता की कमी होती है। तीसरा, इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, क्या होता है, इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है।